वेलकम डियर सब्सक्राइबर एंड व्यूअर्स, स्वागत है आपका डस्ट फाइनेंस चैनल पे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आरती ड्रग्स लिमिटेड के बारे में हम ये खबर लेकर आए हैं। वो खबर बहुत ही दमदार है, लेकिन ये वीडियो पूरी देखना तो आपको मालूम चलेगा कि आपके लिए वो खबर काम की है कि नहीं है। तो फ्रेंड्स, खबर आपकी स्क्रीन पे है। इससे पहले आपने अगर ये चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी कम्युनिटी में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आए तो। देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये एनएससी को सबमिट किया हुआ इनका पीडीएफ है, आरती ड्रग्स लिमिटेड का। इन्होंने इसमें बताया है कि वे लोग 1000 रुपये पर शेयर का बायबैक लेके आए हैं। अभी आप देख सकते हैं करंट प्राइस 713 रुपये है इसकी, यानी आप मोटा मोटा देखें तो 1000 में से 700 रुपये, लगभग 300 रुपये के आसपास, या कहें तो एग्जैक्ट 287 रुपये आपको कंपनी देगी अगर आप आज मार्केट से ये शेयर खरीदते हैं तो। देखिए इसकी रिकॉर्ड डेट पहले आप देख लीजिए, 1 अप्रैल 2020 है। तो अगर ये शेयर आपके अकाउंट में या डीमेट अकाउंट में हो, इसके लिए आपको इसे अगर ख़रीदना है तो देख सकते हैं आप, 1 अप्रैल इसकी रिकॉर्ड डेट है, तो यानी आपको 31/30 को आपके ये मार्केट से परचेज करना होगा, तब ये डीमेट अकाउंट में 1 तारीख को आपके शो करेगा, तभी आप इस ऑफर के लिए एलिजिबल होंगे। 30/31/30/29 को आपको ये लास्ट परचेज कर लेना है अगर आप इस ऑफर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ये ऑफर कंपनी 60 करोड़ रुपीस का लेके आई है, यानी 60 करोड़ रुपये में 1000 रुपये प्रति शेयर के भाव से ये 600,000 शेयर आप लोगों से वापस खरीदेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है फिलहाल तो। आपको सीधा बिना कुछ मेहनत किए एक शेयर पे 300 रुपये मिलते दिख रहे हैं, तो बहुत दमदार खबर है वैसे तो। लेकिन अब इसके डीप में अगर हम जाते हैं और समझते हैं तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, अब भी ये यहाँ देख सकते हैं आप, इसका 28 फरवरी 2020 को 173 रुपये भाव था, 173, एंड नाउ इट इज़ 713, और ये हाई बना के आया 809-810 रुपये का। फ्रेंड्स देखिए, ऑलरेडी एक मल्टी बेगर हो चुका है ये, विद इन मार्च 2020 से अभी तक एक मल्टी बेगर हो चुका है। ठीक है, तो हम आगे समझते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी होगी, मैं कैलकुलेटर के हिसाब से आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, जो 60 करोड़ रुपीज़ की ये शेयर बायबैक करने वाले हैं, उसमें सेबी के नियम के हिसाब से जो 15% शेयर हैं वो रिटेल जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए इनको सिक्योर रखने होते हैं। रिटेल इन्वेस्टर यानी जिन्होंने 2 लाख रुपए से कम शेयर इसके परचेज किए हुए हैं, तो आप रिटेल इन्वेस्टर हैं। अगर आपके पास 2 लाख रुपए से कम के शेयर इसके हैं तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप रिटेल इन्वेस्टर में काउंट होंगे। और आप देख सकते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा कि ये कंपनी कितने शेयर बायबैक कर रही है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 लाख शेयर अगर ये बायबैक कर रही है, तो आप देखेंगे कि 6 लाख का 15% आप लोगों के लिए रिजर्व्ड है, तो ये आप देख सकते हैं कितना हुआ, 90,000 शेयर्स आप लोगों की ये कंपनी बायबैक में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल करेगी, यानी आप लोगों के 90,000 शेयर को ही ये प्रॉफिट होगा 6 लाख में से, बाकी जो है HNI हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं उनको फ़ायदा होगा, और दूसरे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको फ़ायदा होगा, यानी लगभग 5,10,000 शेयर उन लोगों के वापस जाएंगे और 90,000 शेयर हम जैसे लोगों के वापस जाएंगे फ्रेंड्स। तो अभी अगर हम ये देखें तो एक NSE की डाटा के हिसाब से अभी हमारे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं लगभग 1.80 करोड़ हैं। ठीक है, 1.80 करोड़ ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसके पास इस कंपनी के 2 लाख से कम शेयर हैं, तो वे सभी लोग अगर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो एक रेशो जो निकल के आता है वो आता है फ्रेंड्स 0.49 का, यानी 0.49 यानी 100 शेयर्स में से मात्र 0.49 शेयर ही आपके एक्सेप्ट होने के इसमें चांसेस हैं, यानी लगभग अगर आप 200 शेयर इस कंपनी के होल्ड करते हो तो जाके आपका एक शेयर बायबैक में एक्सेप्ट हो रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, 200 में से एक, अभी 200 आपको अगर इसके परचेज करने हैं तो 713 के हिसाब से आप 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,42,600 रुपये आपको इन्वेस्ट करने होंगे, और उसमें से मात्र एक शेयर अगर आपका वापस जाएगा तो 300 रुपये का आपको प्रॉफिट होगा उस पर। एट प्रेजेंट कैलकुलेशन देखें तो इसमें कोई खास मोटा प्रॉफिट हम जैसे लोगों के लिए नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए हम तो यही चाहेंगे, एक तो इसका जो सडनली मल्टी बैगर होना थोड़ा डाउटफुल
सा लग रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सडनली मल्टीबैगर होना, 100, 150 रुपये से सीधा 800-900 रुपये, ऊपर से कंपनी का बायबैक लेके आना 1000 रुपये पे। यानी वो अच्छी बात है कि कंपनी अपने शेयर को 1000 रुपये का मानती है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बायबैक ख़त्म होने के बाद इसमें इन्वेस्ट करें, अभी बायबैक के लिए हम आपको ये सजेशन नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने कम्युनिटी में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।